पर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो वहाँ से कुछ सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो एक यूज़र है, उन्होंने SBI पर राय जाननी चाहिए कि यहाँ पर इसे खरीदा जा सकता है क्या। स्टॉक देखो तो पिछले कुछ एक महीने से एक कंसोलिडेशन में फंसा है, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ खरीदारी का मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली SBI ने अपने स्ट्रक्चर इम्प्रूव किए हैं और 200 DMA के सपोर्ट लेने के बाद ये हायर टॉप्स हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन 810-815 के जोन के ऊपर है। जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो वहां से हमें 860 से लेकर 880 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, तो ये करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं 770 का। ऊपरी स्तर पर देखें SBI का तो 860 से 880 के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जरूरी है 770 का। शिमला से नरेंद्र, हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, क्या हाल चाल? नमस्कार जी मैम, ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत जगह से आप कॉल कर रहे हैं, शिमला से। हाँ बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैम IOB है, 250 शेयर, 61 की बाइंग प्राइस है और 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 1 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक हाँ है। जी, तो क्या टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना पड़ेगा? चलिए, 1 साल का नजरिया तो काफी अच्छा खासा है, लेकिन IOB को लेकर पिक कैसी है? लक्ष्मीकांत जी आप ही के पास आएंगे, बताइए 1 साल तक का समय देना चाहिए या इसी क्षेत्र में कहीं और भी बेटर मौके हैं जहां पर एंट्री की जा सकती है फिलहाल? IOB ने कई दिनों पहले एक ब्रेकडाउन दिया था और वहां से स्टॉक काफी नीचे आया है। उसके बाद ये लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। 2 दिनों पहले यहाँ पर एक ट्विजर बॉटम कैंडल फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया था, तो वहां से एक शॉर्ट टर्म रिकवरी दिखी हुई है। बट अभी भी स्टॉक अपने मेजर हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाया है, जो कि बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 60 से लेकर 62 के जोन पर। और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक इसके नीचे रहेगा तब तक इसमें एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। बट जैसा कि इन्होंने बताया, इनका एक लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो मुझे लगता है एक बार 49 के स्टॉप लॉस के साथ ये थोड़ा वेट कर सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक 62 के ऊपर आता है तब फ्रेश बाइंग मोमेंटम गेन कर सकता है। वहां से फिर हमें अच्छे खासे ऊपर साइड के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकते हैं 75-80 के जोन पर। तो इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। साइमेंट अचानक तो ऐसा कुछ फ्रेश बाइंग मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता है कि 62 के ऊपर ही मोमेंटम एक्सेलरेट होगा और वहीं से ये स्टॉक अपने स्ट्रेंथ को दोबारा पा सकता है और वहां से हमें अपसाइड के लेवल्स दिखाई दिए जा सकते हैं। सो एक बार 49 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। लेवल अहम है, उसके साथ इसे स्टॉप लॉस के तौर पर इसे रख सकते हैं। ऊपर के तरफ आपको लेवल्स दे दिए गए हैं। तो चलिए लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस पेशकश में।